हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गीता और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ मखाना पांग की रेसिपी, जिसको हम व्रत में खाते हैं। और आजकल नवरात्रि चल रहे हैं तो इसको हम आराम से बना कर रख सकते हैं और 9 दिन के व्रत में इजीली खा सकते हैं। इसको 8 आई डब्बे में स्टोर करके रख लीजिए और जब भी आपका खाने का मन करे इसको खा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं मखाना पांग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल एनएन भोज को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर हमने एक बाउल में 100 ग्राम मखाने ले लिए हैं। ये मार्केट में कहीं पर भी इजली मिल जाते हैं। और ये मैंने जैगरी ले ली है, एक कटोरी से थोड़ा कम। ये गुड़ है जो जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में बारीक कर लिया है। जो छोटे छोटे इसके पीसेस आते हैं उनको मैंने दो लिए थे और इनको बारीक बारीक पीसेस में मैंने तोड़ लिया है। अब गैस पर मैंने एक कढ़ाई को रख दिया है, जिसमें मैंने एक चम्मच घी को डालकर रख दिया है मेल्ट होने के लिए। जैसे ही घी मेल्ट होगा उसमें हम मखाने डाल देंगे। यहाँ पे गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो रखेंगे और लो फ्लेम पर ही 2 से 3 मिनट तक मखानों को चलाते हुए हमें इन्हें भूनना है, जिससे कि ये अच्छे क्रंची हो जाएंगे और घी इसमें अंदर से भर जाएगा और जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। इसको हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर चलाते हुए भूनना है। ये देखिए, ये कड़क हो गया है। जब ये कड़क हो जाएगा बिल्कुल एकदम कैड़ा जैसा हो जाएगा, क्रंची हो जाएगा, तब हमें गैस बंद कर देनी है और मखानों को एक बाउल में निकाल लेंगे। कढ़ाई को फिर से हम गैस पर रखेंगे और उसमें जो गुड़ हमने लिया था उसको डाल देंगे। इसमें आधा कप पानी भी डालेंगे हम और गुड़ को यानी कि जैगरी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। गैस का फ्लेम यहाँ पर भी हम बिल्कुल लो रखेंगे। जैगरी को हमें बिल्कुल मेल्ट कर देना है। ये देखिए, अच्छे से मेल्ट हो गया है। जैगरी को हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये एक तार की चाशनी में कन्वर्ट ना हो जाए। ये देखिए, एक तार में इस तरह से, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इस तरह से ये तार जैसा खींचना चाहिए। जब आपका गुड़ ऐसा हो जाए तब हमें गैस बिल्कुल एकदम लो करके उसमें मखाने को डाल देना है और गैस को बंद करके फटाफट गुड़ को मखानों के साथ मिक्स कर लेंगे अच्छे से। फटाफट इसको चला देना है क्योंकि ये फिर ठंडा हो जाएगा। और गैस बंद कर देनी है क्योंकि गैस अगर चालू रखेंगे तो जो गुड़ है उसमें जलने की खुशबू आ जाएगी। तो इसको बंद करके अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा मखानों में। अभी मिक्स हो गया है, इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसे छोटे छोटे अलग टुकड़ों में निकाल लेंगे। ये देखिए, ठंडा होने के बाद हमने इनको अलग अलग मखानों को कर लिया है और आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो आप इनको फास्ट में खा सकते हैं और 9 दिन के व्रत के लिए आप इनको एक बार बनाकर एयर टाइट डब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं और 9 दिन तक आप इनको जब चाहें खा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो और रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। तो दोस्तों, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।